आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पावर लैंड मॉड्यूल। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कर इसरो ने इतिहास रच दिया है, जिसका पूरा देश जश्न मना रहा है। 23 अगस्त बुधवार को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी, जिसके बाद से ही विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अपने काम में जुटे हुए हैं। इसरो ने इन्हें 14 दिन के मिशन पर भेजा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि 14 दिन बाद लैंडर और रोवर का क्या होगा? क्या ये 14 दिन बाद धरती पर वापस आ जाएंगे? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। तो फिर इनका क्या होगा? दरअसल इसका कनेक्शन सूरज की रोशनी से है। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, यानी 14 दिन तक चंद्रमा पर सूरज उगता रहेगा। बता दें कि चंद्रयान 3 की जिस वक्त 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी, उस वक्त चंद्रमा पर दिन था और सूरज उग रहा था। इसके पीछे इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर उतर रहे हैं, वहां अगले 14-15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे। दरअसल चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगे हुए हैं। वो सूरज से ऊर्जा लेकर खुद को चार्ज कर रहे हैं। इन्हीं पैनल्स के जरिए उन्हें ऊर्जा मिल रही है। जब तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी, उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी, वो काम करते रहेंगे। 14 दिन बाद चंद्रमा पर अंधेरा हो जाएगा, जिसके बाद इनको ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगी और इनकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। इस स्थिति में काम करना बंद कर देंगे। अंधेरा होने के बाद भी कुछ दिन या घंटे तक रोवर और लैंडर काम कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि उनकी बैटरी कितनी चार्ज है। लेकिन इसके बाद वो अगले 14-15 दिनों तक सूरज उगने का इंतजार करेंगे, जिसके बाद वो फिर चार्ज हो सकते हैं। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। चौदह दिन बाद रोवर और लैंडर क्या फिर से काम कर सकते हैं? इस पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी कहा है कि वो फिर से सूरज उगने के बाद चार्ज हो भी सकते हैं और नहीं भी। दरअसल रात होते ही चंद्रमा पर ठंड बढ़ जाती है, तापमान काफी नीचे -30 डिग्री में पहुंच जाता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -238 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने कम तापमान पर मशीनों का काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए वे 14 दिनों के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो ये चंद्र मिशन के लिए एक बोनस की तरह होगा। चंद्र मिशन में काम को पूरा करने के बाद बेशक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन इनकी वापस धरती पर लौटने की भी कोई संभावना नहीं है। ये निष्क्रिय होकर चंद्रमा पर ही बने रहेंगे।